एक्टिंग का कीड़ा काटता है और किसी को फिल्मों का कीड़ा काटता है तो आपके लिए आपके इस फिल्मी कीड़ा के लिए मेरा सेगमेंट इनफैक्ट हम सभी का सेगमेंट है फिल्मी कीड़ा इस बार आ, सभी लोग जो मेरी तरह फिल्मों का शौक़ रखते हैं आ, क्या क्या देख सकते हैं ओ पे थिएटर पे कौन सी फिल्मों में इंडल्ज कर सकते हैं या कौन सी वेब सीरीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं ये जानने के लिए स्वागत करते हैं हमारे फिल्म एक्सपर्ट और फिल्म क्रिटिक का मुर्तजा अली खान जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है मुर्तज़ा तो मैंने इस वीकेंड अपना प्लान ऑलरेडी बना लिया है मुर्तज़ा जी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बिकॉज ये वीक मेरे लिए बहुत टायरिंग है तो मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि ओ पे अगर कुछ अच्छा आने वाला है देखने को तो मुझे बताइए इनफैक्ट हम सभी को बताइए अच्छा ही नहीं एक धमाल का ऑफरिंग है जियो सिनेमा पे ब्लडी डैडी और दिस हैज़ ऑल द ब्लॉकबस्टर एलिमेंट्स एलिमेंट शाहिद कपूर लीड रोल में हैं अब्बास ज़फ़र wow. डायरेक्टर हैं तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है प्लस सपोर्ट कास्ट बहुत कमाल की है संजय कपूर हैं राजीव खंडेलवाल हैं रौनित रॉय हैं डायना पेंटी हैं शाहिद कपूर के साथ इट्स अ न्यू नोआ एंड इट्स एन अ वेरी थ्रिलर सॉर्ट ऑफ अ स्पेस एंड इट्स ऑल्सो रीमेक ऑफ अ टू फ्रेंच फिल्म कॉल्ड स्लीपलेस नाइट और okay. ये इससे पहले तमिल में बन चुकी है कमल हसन जी के साथ 2015 में थुंगा वनम के नाम से और वो भी बहुत ज्यादा धमाकेदार फिल्म रही थी बहुत हार्ड हिटिंग है इट फॉलोज एन एनसीबी कॉप जो बेसिकली एक सिंडिकेट uh, जो ड्रग्स का है उसको बस करना चाहता है बट देन थिंग्स गो आवरी एंड हाउ ही गेट्स टक और फिर उसको चूज़ करना पड़ता है ड्यूटी और फैमिली के बीच में सो इट्स अबाउट दैट डायलेमा एंड शाहिद कपूर इन इज बियरडेड लुक यू नो इन द रीसेंट टाइम्स ही हैज बीन अ ह्यूज रेज एट द बॉक्स ऑफिस सो अभी उससे पहले फर्जी आई थी हमने I. देखा दिल्कुल. था उनका वेब सीरीज एंड आई थिंक ही इज गोना कंटिन्यू विद दैट सेम ट्रेंड हियर आल्सो एंड जॉन विकन वाइब्स हैं यहां पे इफ़ यू आर अ फैन ऑफ जॉन वेक एंड इफ यू लाइक दैट काइंड ऑफ एक्शन सो यू विल गेट द सेम वाइब्स हियर एज़ वेल Really जिन्होंने अगली और उड़ान जैसी फिल्में दी हैं और कमाल के एक्टर हैं रोनित रॉय भी आ, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम रीजनल सिनेमा की बात करें बहुत अच्छे अच्छे ऑफरिंग्स आजकल हम रीजनल सिनेमा में भी देख रहे हैं तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगा आपका हफ्ते मैं रेकमेंड करना चाहूंगा एक फिल्म जो बेसिकली स्लीपर हिट साबित हुई थी इससे पहले थिएटर्स में आई थी और उस वक्त उतना बस नहीं क्रिएट हुआ था पर वर्ड ऑफ माउथ और कंटेंट के दम पर इट बिकेम हिट आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ही डिवास्टेटिंग जो 2018 केरला के फ्लड्स थे उनके बारे में उनके कॉन्सिक्वेंसेज से कैसे लोग डील करते हैं और कैसे उससे उभरते हैं वो लोग सो इट्स अ स्टोरी अबाउट दोज पीपल टोविनो थॉमस लीड रोल में है जो मिनल मु में भी थे और ही क्रिएट विद विध फिल्म

करे ह्यूमन रिजॉल्व वो इसमें बहुत खूबसूरती से सामने आता है okay. uh, तो अगर अभी हम मुर्तजर जी बात करते हैं हॉलीवुड की तो हॉलीवुड में कोई ऐसा मूवी जो देख सकते हैं हमारे दर्शक देखिए एक बहुत कमाल की फ्रेंचाइज है जिसके बारे में आई थिंक वी ऑल नो ट्रांसफॉर्मर्स एंड सो इट इज एंटरिंग इट्स थर्ड डिकेड नाउ वी आर हैविंग द सेवंथ इंस्टॉलमेंट ट्रांसफॉर्मर्स राइज़ ऑफ द बीस्ट एंड कमाल uh, की बात यह है कि 2007 में पहली ट्रांसफॉर्मर्स जो फिल्म आई थी उसका ये पीक्वल है Okay. और जो लास्ट ट्रांसफॉर्मर्स जो आई है बम्बल भी टू में उसका डायरेक्ट सीक्वल है सो इट्स एन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्मर्स कुछ क्या चीज़ यूनिक बनाती है अदर देन इट एक्शन सेट पीसेज एंड यू यूनो दो जॉन्ट्स और वो सब ये एक्चुअली में एक टॉय सीरीज़ पे बेस्ड है इस पूरी सीरीज़ जो हैज ब्रो हाँ. टॉय सीरीज़ जो है तो ट्रांसफॉर्मर्स तो वहाँ पर हम वापस जाने वाले हैं क्योंकि नाइनटीन में एक टेलीविजन सीरीज़ आई थी हैज ने जब पहली बार इसको टेलीविजन के फॉर्म में लेके आए थे तो वही स्टोरी अब आगे बढ़ने वाली है

ओके okay. माल की बात है तो जब आपने कहा कि नई फिल्में पुराने फिल्मों की ओर चल रही हैं तो चलिए हम भी पुरानी फिल्म की बात <laughs> करते हैं और जान लेते हैं क्या है इस बार की वो ओल्ड क्लासिक जिसे आप रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को जैसे आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है मेरा भी इस सेगमेंट सेगमेंट का <laughs> फेवरेट सब बन गया है व्हेन आई टॉक अबाउट द ओल्ड फिल्म्स और हमने पिछले वीक्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म देखी पर इस वीक बहुत ही अलग और बहुत ही क्लासिक जिसको ट्रू सेंस में क्लासिक कहा जा सकता है अवारा राज कपूर साहब की 1951 की क्लासिक और आवारे की खासियत ये है कि ये क्लासिक्स में भी क्लासिक्स का दर्जा इसको मिला हुआ है और ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा को इंडिया के बाहर पहुंचा दिया चाहे हम सोवियत यूनियन की बात, hmm. की बात करें चाहे हम ईरान की बात करें चाहे हम टर्की बात करें चाहे हम बालकानस की बात करें चाहे हम साउथ एशिया की बात करें सो दिस फिल्म बिकेम अ रेज सो मैनी रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड गॉट स्टार्टेड इंस्पायर्ड बाई सॉन्ग मैं आवारा हूँ बॉन्ड और दिस इज रियली इन अ क्लासिक स्पेस राज कपूर नरगेश की जो केमिस्ट्री है वो तो है कमाल की पर साथ ही साथ जो हैं hmm. अगर हम कपूर साहब की की बात करें हम लीला करें अगर अगर हम पाइनियर्स की बात करें तो hmm. वु <laughs> so <laughs> और सब्जेक्ट भी ऐसा है शायद इसीलिए इतने देशों में सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह होता दिल्कुल. है ना सब्जेक्ट कभी पुराना होता है ना कभी आउट ऑफ प्लेस होता है इसमें तो, मैं एक चीज जो ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जो बहुत फेमस चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर है द ट्रैम्प राज कपूर ब्रिंग्स इंडियननेस टू दैट कैरेक्टर एंड ही रियली टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल इन फिल्म्स दैट विल फॉलो दिस वन सच एज श्री 420 एंड अदर फिल्म्स सो दिस इज रियली द बिगनिंग ऑफ राज कपूरस टेक ऑन द ट्रैम्प एंड द आईडिया ऑफ दिस